बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए 900 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी, लेकिन जमीन आवंटन के 5 साल बाद भी ये योजना प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। जमीन पर बेजा कब्जा होने की वजह से इधर सिम्स में सुविधाओं की कमी और जगह नहीं होने के चलते पीजी की सीटें भी नहीं मिल रही। बिलासपुर के सिम्स से मेडिकल कॉलेज को अलग करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 5 साल पहले कोनी इलाके में 40 एकड़ जमीन भी दी गई थी, लेकिन सिम्स प्रबंधन की अनदेखी के कारण यहां अतिक्रमण हो गया। दरअसल कोनी इलाके में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर सेंटर, हाउसिंग और हॉस्टल बनाए जाने थे, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। इधर सिम्स में जगह और सुविधाएं नहीं होने से एमसीआई पीजी सीटों के लिए मान्यता नहीं दे रहा है। इसमें को कलेक्टर बिलासपुर के आदेश से 2014 में 40 एकड़ जमीन रामकृष्ण मिशन के सामने रतनपुर रोड पर आवंटित किया गया था और कब्जा दिया गया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वेटनरी विभाग जो उस ओवरऑल उस जमीन के शुरुआती मालिक थे या उस कब्जे में थे, उसमें से यह 40 एकड़ दी गई थी। सिम्स की कमियों को दूर करने के लिए एमसीआई कई मौके दे चुका है, लेकिन समस्याएं जस की तस है। सिम्स प्रबंधन के अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने में 2 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद ही अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को नई जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। जब हमने सीमांकन कर पाया तो हमें लगा कि अभी करीब 6 से 8 महीना पहले वेटनरी महाविद्यालय के द्वारा रतनपुर रोड पर जो हमारा 200 फीट का जो फ्रंट, जो सामने का हिस्सा जो हमारे लिए आवागमन का एग्जिट और एंट्री गेट का काम करेगा, उसमें 120 का कब्जा आने की शिकायत मिली और वहाँ जाके देखे तो उनके द्वारा कुछ कॉलम और निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया था। तो तत्काल सिम्स प्रबंधन के द्वारा उसमें राजस्व अधिकारियों को, प्रशासन को, जिला प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। वर्तमान में 900 करोड़ रुपए की यह योजना सिर्फ प्रक्रियाओं में ही उलझी हुई है। शासन की तरफ से अभी तक प्रबंधन को कोई बजट भी नहीं मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि कागज पर बनी यह योजना धरातल पर आकर कब तक रफ्तार पकड़ती है। मनोज सिंह, IBC 24, बिलासपुर।